दोस्तों चलिए मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आजकल के समय में हर कोई अपने मोबाइल के अंदर 5G इंटरनेट चलाना चाहते हैं, लेकिन सबसे बड़ा दिक्कत सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि जिसके पास 4G मोबाइल है वो 5G इंटरनेट नहीं चला पा रहे हैं। तो इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना, क्योंकि एक नहीं दो ने पूरे 3 खास खुफिया अमेजिंग टॉप सीक्रेट सेटिंग के बारे में बताऊंगा। अगर आप ये सभी सेटिंग 4G मोबाइल के अंदर कर लेते हो ना, तो 5G इंटरनेट आप चला सकते हो। 4G मोबाइल के अंदर इतना ज्यादा इंटरनेट स्पीड मिलेगा, बिल्कुल ही चौंक जाएंगे। ऐसे वैसे सेटिंग ने बिल्कुल खतरनाक पावरफुल सेटिंग है जो कंपनी वाले खुद देते हैं, लेकिन काफी हिडन खुफिया सेटिंग होता है जो आज की इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग, वीडियो को पूरा देखना। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं कलिता, वीडियो स्टार्ट में नाम सितारे और आप देख रहे हो गटोगा YouTube चैनल। दोस्तों सबसे पहले दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताना ये वीडियो आप कहां से देख रहे हो, आप अपना नाम या नाइस वीडियो आप लिख सकते हो। सबसे पहले स्क्रीन यहां पे ध्यान से देखना, यहां पे दे दूंगा। तो मोबाइल के सबसे पहले सेटिंग में जाओगे, जाने के बाद यहां पे काफी सारा सेटिंग मिल जाएगा। तो आपको कौन से सेटिंग में जाना है, तो नीचे में आपको सिस्टम सेटिंग मिलेगा, तो इस पे आपको क्लिक करोगे ना, तो जैसे आप सिस्टम सेटिंग पे क्लिक करोगे ना, तो यहां पे आपको एक और सेटिंग दिखने को मिल जाएगा, रीसेट ऑप्शन सेटिंग दिखने को मिल जाएगा। इस सेटिंग पे आपको क्लिक करो, क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां पे काफी सारा सेटिंग है, तो ऊपर में आपको एक सेटिंग मिलेगा, रीसेट वाईफाई मोबाइल एंड ब्लूटूथ दिखने को मिल जाएगा, रीसेट वाईफाई मोबाइल ब्लूटूथ। तो आपको करना क्या, मोबाइल के अंदर जो नेटवर्क का परफॉर्मेंस का दिक्कत हो रहा है, इंटरनेट स्लो चल रहा है आपका, जो है ना 4G की जगह 5G नहीं आ रहा है ना, तो आपको करना क्या होगा, आप इसे जो है ना रीसेट सबसे पहले आपको करना होगा। तो रीसेट सेटिंग पे आपको क्लिक करोगे ना, तो यहां पे रीसेट सेटिंग्स होगा, इस पे क्लिक करना होगा। यहां पे आपको पैटर्न लॉक यहां पे डाल देना होगा, जो भी मोबाइल का स्क्रीन लॉक है वहां पे डाल दीजिएगा। अगर आप डबल सिम या सिंगल सिम यूज कर रहे, सिम ने ऑप्शन नहीं बताएगा, डबल सिम यूज कर रहे तो सिंगल सिम आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन सा सिम को आप रीसेट कर रहे हैं, जो नेटवर्क का इशू है तो उसको सिलेक्ट करके रीसेट सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो कुछ सेकंड आपको लेगा, तो जो भी नेटवर्क का इशू होगा रीसेट करने के बाद वो सॉल्व हो जाएगा। तो ये पहला सेटिंग करना काफी जरूरी है। उसके अलावा दोस्तों यहां पे बात करेंगे दूसरा नंबर का खास खुफिया टॉप सीक्रेट सेटिंग के बारे में बताऊंगा जो आप लोगों को नहीं पता होगा। तो कौन से सेटिंग है, तो सबसे पहले मोबाइल के सेटिंग के अंदर आपको जाना पड़ेगा, जाने के बाद सिंपल आपको बैक कर देना होगा। बैक करने के बाद दोस्तों यहां पे आपको एक सेटिंग मिलेगा, यहां पे अबाउट फोन दिखने को मिल जाएगा, तो अबाउट फोन सेटिंग में जाओगे, जाने के बाद दोस्तों नीचे जाओगे ना, तो यहां पे एक सेटिंग दिखने को मिल जाएगा, सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन होगा। इस सेटिंग पे क्लिक करोगे ना, क्लिक करने के बाद बिल्ट नंबर होगा, जैसे कि आप देख रहे हैं किसी मोबाइल के अंदर यहां पे आपको वर्जन होगा, तो वर्जन पे क्लिक करेंगे तो बिल्ट नंबर को 7 बार दबाओगे ना, हिडन सेटिंग दिखने को मिल जाएगा। तो बिल्ट नंबर को 7 बार दबाओगे, एक हिडन सेटिंग एक्टिवेट हो जाएगा जिसका नाम है डबल पर ऑप्शन। तो डबल पर ऑप्शन सेटिंग आपको कहां पे मिलेगा, तो यहां पे आपको सिस्टम सेटिंग के अंदर आप जाओगे, जाने के बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे ना, तो यहां पे डबल पर ऑप्शन सेटिंग मिल जाएगा, इस पे क्लिक करोगे ना, नीचे आपको स्क्रॉल डाउन करना होगा। बिल्कुल ध्यान से देखना, नीचे मैं यहां पे स्क्रॉल डाउन कर लेता हूं, ठीक है। तो जैसे नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद दोस्तों यहां पे आपको एक सेटिंग दिखने को मिल जाएगा, यहां पे क्या लिखा हुआ, वाईफाई स्कैन थ्रोलिंग आपको दिखने को मिल जाएगा। ये सेटिंग बंद है, बंद नहीं करना, यहां पे ऑन करना है। आपको लगता होगा कि यार ये वाईफाई के बारे में आप बता रहे हो, नहीं वाईफाई के बारे में नहीं, उसका नीचे का डिस्क्रिप्शन यहां पे पढ़ना है, यहां पे क्या लिखा हुआ, इंप्रूव नेटवर्क परफॉर्मेंस यहां पे लिखा हुआ, यानी कि अगर आपके मोबाइल के अंदर जो नेटवर्क का इशू है ना, तो इशू की वजह से भी इंटरनेट स्पीड नहीं चलता, बिल्कुल स्लो चलता है। तो आप इस सेटिंग को ऑन करने के बाद मोबाइल के अंदर जो नेटवर्क का इशू है वो रिजॉल्व हो जाएगा, इतना ज्यादा फास्ट चलेगा इंटरनेट, आप सोच भी नहीं सकते। 4G मोबाइल के अंदर 5G इंटरनेट स्पीड का मजा ले सकते हो। दूसरा सेटिंग करने के बाद, लेकिन लास्ट वाला और सेटिंग बताऊंगा। तो तीसरे नंबर का सेटिंग जानने के लिए मोबाइल के अंदर जो फोन डायलर है ना, फोन डायलर को ओपन करोगे, एक सीक्रेट कोड आपको डालना पड़ेगा। तो कौन सा सीक्रेट कोड है, यहां पे *#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 #*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 
ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद दोस्तों यहाँ पे तीन सेटिंग है, तो आपको जो देख रहे ना फोन इन्फॉर्मेशन सेटिंग, इस पे आपको क्लिक करोगे। जैसे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको काफी सारा सेटिंग मिलेगा, तो नीचे आपको जाना पड़ेगा। तो जाना नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो, ध्यान से देखना, अपडेट और रिफ्रेश होगा और यहाँ पे एक बॉक्स होगा। इस बॉक्स के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ ना SMSC यहाँ पे लिखा हुआ, तो इस बॉक्स के अंदर जो ना एक सीक्रेट कोड होता है, एक सीक्रेट नंबर होता है, जो 5G वाला एक सीक्रेट कोड होता है, जो यहाँ पे जो ना डिलीट हो जाता है। डिलीट कैसे होता है, आप लोगों ने मोबाइल के अंदर छेड़छाड़ सेटिंग किया होगा, उल्टा पुल्टा आपने सेटिंग कर दिया होगा, इसी वजह से आपने सिम भी चेंज किया होगा, तो ये नंबर जो ना डिलीट हो जाए, इसी वजह से जो ना 5G की तरह इंटरनेट स्पीड 4G मोबाइल के अंदर आप नहीं चला पाते हो। तो आपको करना क्या होगा, आप इसे अपडेट करना होता है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको जो रिफ्रेश होगा ना, इस रिफ्रेश करोगे ना तो यहाँ पे एक नंबर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ध्यान से देखना, यहाँ पे स्क्रीन दे दूंगा, तो यहाँ पे नंबर आ चुका,
नंबर आने के बाद दोस्तों आप इसे अपडेट कर देना होगा। तो जैसे आप इसे अपडेट करोगे ना, अपडेट करने के बाद मोबाइल को एक बार स्विच ऑफ करना, स्विच ऑफ करके ऑन करोगे ना, तो आप यकीन मानना कि 4G मोबाइल के अंदर 5G इंटरनेट स्पीड का मजा ले सकते हो। इतना ज्यादा इंटरनेट स्पीड मिलेगा, बिल्कुल चौंक जाएंगे। ये सभी सेटिंग करने के बाद जो 100% वर्किंग सेटिंग है, जो मैं खुद ट्राई करता हूं मैं सभी फोन के अंदर, तभी आप लोगों को मैं बताता हूं, एक बार जरूर ट्राई करना। उम्मीद करता हूं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल पर ऑल पे सेट करना। दोस्तों फिर मिलेंगे दोस्तों अपने ख्याल लेकर, टेक केयर एंड गुड बाय।